भाई फिट हो ऐसी बहुत है कोहली की। बच जा बच जा। कोई दा लग रहा भाई कुछ भी नहीं होता अभी देखिए। फील्डिंग मिस हो रही है कालों की भाई। कालों की घरों की ना कालों की। हाय 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 कोई छक्का छक्का नहीं लगा रहा भाई। बाबा रहा तो होता तो पेल देता इधर ही चौका। अब बात खुल गया उसका इंडिया ये जजमेंट करने के लिए का दावा लग गया था। चलो जी चौका ग्यारह बालों पे सिर्फ आठ स्कोर। कोहली बहुत बहुत मिसिंग कर रहा भाई। हाय 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 बदोबदी बदोबदी नहीं गोली लग दिखाता अभी तुम्हें देख पेल पेल के दिखाता ये देख फोड़ रहा है इसकी फेवरेट शॉट का बन रहा है। अभी चल पड़े बराबर आ गए बालों के। असल में क्रिकेट में फुटबॉल से भी ज्यादा फिटनेस की जरूरत होती है। फुटबॉल तो 90 मिनट का होता है भाई क्रिकेट में तो सारा सारा दिन खेलना पड़ता है जब 5 दिन के टेस्ट हो। हाँ वो सारा दिन खड़े होना ही थोड़ी बात है। फील्डिंग के बैटिंग दे बंदे को नींद आ जाती है यकीन मानो इतनी मस्ती लगा लो। सोच रहा हूँ कि धूप में अगर सारा दिन खेलना हो तो कैसा लगता होगा। मेरा तो कलर ही ब्लैक हो गया। मेरा पहले भी ब्लैक ही है थोड़ा थोड़ा ही है सही वक्त चाय की वजह से। हाँ चाय पीने की वजह से थोड़ा सा सांवला हो जाता हूँ धूप पे फिरने की। दूध भी है करना गोरा चिट्टा हो जाएगा। नहीं गोरा हो गया तो फिर मुझे तो छोड़ेगा नहीं। लड़कियां भूली करती हैं फिर हैंडसम ज्यादा हो जाता। वैसे फील्डिंग बड़ी टाइट कर रहे हैं भाई। लग गया जी कैच छक्का। क्या बात है विराट कोहली अब जो है स्कोर जो है ना ज्यादा हो रहे हैं कोहली के। खेल रहा हूँ भी पीएल रहा भाई अच्छा चल रहा है। 34 पे 48 है और 36 हो गए 27 पे। वैसे बाले इतनी भी कम नहीं है अभी थोड़ा सा फर्क पड़ा है। कोहली के जो बाले जो है ना वो मतलब बराबर ही होती है स्कोर के अक्सर वनडे में। भाग अर्जुन भाग ये भागना भी थोड़ी बात नहीं थी काफी स्प्रिंट लगा दिया और स्ट्रोक ले लिया।
बच गया बच गया फिर बच गया ये पेच तो बड़े हैं क्या हाइट है भाई यार कोई एक भी ऐसी शॉट नहीं लगी जिससे मजा आ जाए ऐसे जब स्कोर बनाने हो ना फिर पता चलता है भाई मैच लगा ना लाइव तब दिल की धड़कन बढ़ती रहती है। चौथी ये लगी है भाई अरे यही अब आया मजा इस खेल का 50 हो गई भाई कोहली की 35 बॉलों पे ओए ये शॉट दास ये टेक्निक वाली शॉट ये मजेदार अपर कट अच्छा ऐसे अक्सर बोर्ड जब भी हो जाए ना तो बोर्ड होता है जब ये जो बात वो यार कर होता है ना वो चीज तो हर बार कर रहे हैं कटकी ऊपर से कैसे घुमाता है उसने पूरी प्लेसमेंट की है यार कि खेला है नजर नहीं आ रहा वो भी मलक साहब इससे ज्यादा टाइमिंग होगी कभी कोई जोर नहीं देख रहे हैं भाई जब फास्ट बॉलर प्ले भी आ जाएगा नहीं भाई ज्यादा टाइमिंग बड़ा नहीं फर्क पड़ता है टाइमिंग ही होती है टाइमिंग ये टाइमिंग की क्रिकेट में टाइमिंग ही होती है भाई मुंबई जो सर की जैसे टाइमिंग किसी की भी नहीं आई वाली में ऐसे उठाइए मलक साहब इतनी पीछे बैठे हैं पीछे टप्पा मारे हैं हाँ 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 क्या हुआ देखो जी अभी स्कोरों में ना डिफरेंस आ गया बॉलिंग में और स्कोर में बहुत फर्क लगा भाई इस बॉलों में 30 रन चाहिए कोहली खड़ा है सामने ये वाला बंदा होता ये चीज होती है कि बंदा खड़ा हो और पता चले कि भाई स्कोर बन जाने ये दे ये चीज होती है क्या बात है चीज कर दे क्या बात है मजा ही आ गया चेस मास्टर हालांकि वो साथ वाले गिरते ये तीन चेस बस पे फिट जाए छिहत्तर हो गए 45 वालों पे 5 रन रह गए 12 वालों पे अब तो भाई बराबर लेकर आ गया रनिंग देखो कितनी टॉप क्लास और ये हुआ 6 अब बता ये है किंग 7 रन और ये 10 ये इसका दे रहा हाय 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 मजे ही आ गए हाय है क्या बात है शुरुआत में तो भाई कोहली जैसे वो बॉडी गर्म वार्म अप कर रहा था अरे तेरी है क्या बात ये खुशी अलग ही लेवल की होती है जब बंदा स्कोर बना के वापस आता है ना वो वाला मजा अलग ही है चलेंगे वीडियो खत्म होगी भाई
हाय हाय हाय, पहले शुरू बात तो मैं यकीन माने पहले लग ही नहीं रहा था कि कितना खेल रहा है कोहली। वो भाई ना बिल्कुल बोरिंग सा लग रहा था और लेकिन भाई साहब जैसे मैच आगे बढ़ा हाय हाय फिर रंग भर दिए कोहली की। भाई कवर ड्राइव बीच में कह रहा था मैं, भाई कवर ड्राइव का मास्टर बाबा है भाई, क्या बात है। हाँ उसकी शार जैसे दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी भी तारीफ करते हैं। बाबर आजम की कवर ड्राइव शॉट क्या बात है भाई, उसकी शॉट अच्छी है। मान लो उससे पूछ रहे कवर ड्राइव उससे अच्छा है जिसने, क्या बात है। कवर ड्राइव तो तू तो कह रहा था, तू बीच में कह रहा था कि ये तो उसके चौके भी उसके भी चौके छक्के हैं, इसकी फेवरेट है उसके भी उसकी फेवरेट शॉट है बाबर की। ये कह रहा है कवर ड्राइव मशहूरी बाबर की वजह से हुई है यार। असल कवर ड्राइव तो विराट कोहली की नहीं 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 भाई, बाबर आजम की कवर ड्राइव बाबर आजम सबसे अच्छा है, उसकी इतनी शॉट प्यारी होती बंदे देखने के लिए लेने लग जाती है। इतनी प्यारी शॉट कवर ड्राइव मैंने देखे नहीं। बाकी बात यह है कि ये विराट कोहली का जीता वो मैच घर वैसे तो काफी मैच इसने जीतवाया है, काफी मैच ऐसे भी जो हार भी गए इसके बावजूद भी। इसी तरह अगर मुआजना करना चाहते हो तो बाबर के जीते हुए मैच मैं मुआजना नहीं बाबा कोहली के साथ करना चाहता, लेकिन बाबर के भी मैच में ले तो जिसमें इंग्लैंड न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया छोटी बड़ी टीमों के खिलाफ वो जीता है टेस्ट मैच वन डे में, अच्छा मेरी 20 में भी मैं ले तो उसको भी दिखा देता हूं। ऐसा मैच है जो शुरू से लेकर एंड तक खेल के गया हो, मैच विन मैच बहुत कम है बाबर के कोहली के ज्यादा, चलो ये हकीकत है। लेकिन मैच बाबर के भी काफी ऐसे जो लंबा खेले जिस तरह एक वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया में न्यूजीलैंड के खिलाफ बाबर और फखर जमान खेल रहे थे, उसमें लास्ट पर बाबर खेलता गया, अगर वो मैच बाहर की रोका ना जाता तो बाबर खिलाता गया फखर को, वो कैप्टन खिलाता गया, वो दुनिया की तारीख में लिखी गई ना, आप बता सकते हैं ऐसा कई मैच बाबर ने भी ऐसे खेले हैं, लेकिन मैं मुआजरा नहीं कर रहा। लेकिन इस मैच में जो कॉन्फिडेंस दिखा है कोहली अच्छा है, यकीन माने एक चीज है खेला है, उसने आके खेला है रुक रुक के, पहले थोड़ा सा मैच को बना के हालांकि स्कोर कम नहीं थे बहुत ज्यादा स्कोर थे। यूसुफ भाई जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना विराट कोहली का उसको कोई टच नहीं कर सकता, कुछ आधार थी कुछ होगा कॉन्फिडेंस लेवल विराट कोहली का उसे कोई प्लेयर टच नहीं कर सकता। ये बीच में एक तेज शॉट की बात हुई थी बहुत तेजी से, मतलब जितनी तेज उसकी शॉट होती कैमरे में भी तकरीबन नहीं आती थी, कितनी तेज शॉट उसकी होती कोई शक नहीं। इंतजाम आज भी इंतजाम का दुनिया में नाम था, अच्छा अच्छा बैट्समैन बैट्समैन अच्छा वो भी अच्छा था जो ओपनर थे ना महेंद्र सहवाग, आपको नहीं उसको तो पता ही है सिवाग एक बहुत अच्छा क्या है मतलब ओपनर बैट्समैन खेला है दुनिया का अच्छा ओपनर। लेकिन भाई अगर बाजुओं में पावर की बात करनी है ना तो शायद अफरीदी जिसका सबसे लंबा छक्का है ऐसे ही है ना, और सबसे तेज बॉल किसकी है शोएब अख्तर के पास। भाई साहब पाकिस्तान में टैलेंट जो है जो मुल्क की खातिर काम होता है ना वो अच्छा करने का, उसमें ये अपनी नाकामी आगे ले आते हैं कुछ अब कुछ वो इशारा, उसका इशारा तो समझो यार उसने आज हमारा भी बड़े बड़े नाम होते दिखता है वो अब देख लो दूसरा कहना है जनरल थ्रो वाले का उनको देख के निकलेंगे भी खिलाड़ी, ये ले रहे हैं भाई साहब वो तो हम ले रहे हैं वो तो लेकर जो प्लेयर के साथ होता है कंट्री को चलाने वाले ऐसा ही मत अच्छा नहीं आ रहे देखते। लेकिन एक और भी चीज है जो हमारे गांव में ना एक एथलीट हुआ था, पहले हमारे गांव में हाई जंप लगा था, हमारे बुजुर्ग थे मतलब हमारे से एक पीढ़ी आगे ही कर ले
वो हाई जंप लगाते थे, उसका बेटा फिर हुआ हाई जंपर, वो भाई साहब मतलब 30-40 साल लग गए, कम से कम 30-40 साल लग गए उसको आने में। तो उसके बाद जब वो आया, उसके बाद एक और आ गया, फिर और आया, एक चेन चल गई थी हाई जंपरों की हमारे गांव में, फर्स्ट हमारे मतलब फैसलाबाद में हाई जंपर में टॉपर, लेकिन उसकी कदर नहीं हुई। मैं भी उस चेन में, उस वक्त की 50 रुपए की गनेरियां दे देते थे और जाओ बच्चों घर, मैं भी भाई साहब कोई कदर नहीं, हाई जंप लगाता था और मैं अपने ना डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आया हूँ। और बाकी भाई एक और भी चीज़ है कि मतलब एक चीज जहाँ पे चल जाती ना वहाँ पे रिवाज हो जाता है, लेकिन आज के टाइम पे भाई साहब हमारे गांव में ना कबड्डी खेली जा रही है, ना एथलीट है दौड़ लगा रहा, एक हालांकि वापदा में लगा हुआ है एथलीट, मेरे साथ दौड़ लगाता था, लेकिन उसके बाद अब जनरेशन जो है मतलब छोटे छोटे होते हैं ना स्कूल में चले जाते हैं, वो किसी मुकाबले में जा ही नहीं सकते। अब पाकिस्तान में वो मुकाबला निकला, वो दो गेंदियां है ना, वो जो वो है तो बहुत पुरानी होगी थी, आज से कितने साल पहले वो बैन किया गया था, वो तो लोगों को पागल कर रही है यार। मैं भाई साहब जैवलिन थ्रो करता रहा, लॉन्ग जंप, हाई जंप, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, इतनी गेमें किए हैं, हैमर थ्रो, जैवलिन, इतना ज्यादा यार। एक बंदा काम कर, मैं अकेला था, एक स्कूल की तरफ से खेला था भाई, पूरे स्कूल के मतलब ट्रॉफी बन गई थी, दूसरी कितने जिले के लोग थे भाई, मैं अकेला था, मेरी वजह से ट्रॉफी, 7 इवेंट फर्स्ट किए थे मैंने। मेरा शौक था कि मैं वही सब अभी पढ़ूं, लेकिन वो पढ़ा भी इतना नहीं, वो मतलब बी काम करके छोड़ दिया। इंजीनियर ने बहुत से लोगों की दुकानें बंद कर दी हैं। लेकिन भाई मेरा ना एथलेटिक्स से उस वक्त दिल टूटा था, यकीन माने, और जब नेशनल गेम्स में हिस्सा पार्टिसिपेट किया था, कोटी निकल गई, नहीं भाई नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट किया था, पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहा था मैं 100 मीटर रेस में, तो उसमें मेरा ना कुछ 7वां नंबर था या 6ठा नंबर था, लेकिन ये था भाई जो फर्स्ट आया था ना उसको जी कितना मिला, 3000 रुपया मिला या 5000 रुपया, जो नेशनल लेवल पे जीता है, देखो 7000 रुपया, 5000 रुपया मेरे ख्याल में था, 5000 रुपया मिला जो फर्स्ट कर रहा है, गोल्ड मेडल ले रहा है, उसकी मेहनत पे तो पानी फिर गया। तो भाई मैं सोच रहा था कि एक एथलीट की जो ट्रेनिंग होती है उसका जो खर्चा अगर लगा के देखो तो भाई साहब बहुत ज्यादा है, तो इतना तो एक दिन में खाने पीने आने जाने में लग जाता है, तो वो इनाम के 5000 नेशनल लेवल पे जीत रहा है, अब अंदाजा लगाओ फिर क्या होता है, फिर वही होता है जो मंजूर है पाकिस्तान का, नेशनल लेवल पे जो मंजूर है उसको 5 लाख तो मिलने चाहिए, ऐसे पागल 5 लाख यार इतना तो बनते ही नेशनल लेवल की गेम हो रही, ताकि भाई जो बंदा नेशनल गेम जीत रहा है पिछले भी मेहनत करेंगे यार, इतने पैसे मिल जाएंगे थोड़ा सा लेवल बन जाएगा, अब वो बंदा जो अपनी ट्रेनिंग भी नहीं कर पाएगा उसको 5000 से क्या वो बत्ती बना देगा, पिछलों को भी रोकेगा भाई, ओए आज का तो लेवल दीवारों में नहीं है, वो सीधे नहीं दीवारे रख के स्कूल लेवल किसकी बात है, वही तो भाई सिस्टम से भाई साहब दिल बड़ा परेशान है रहता है, लेकिन विराट कोहली खिलाड़ी भाई बहुत, लेकिन भाई साहब खिलाड़ी बहुत बड़ा मान के तू, तो मैं तो पहले भी मानता हूँ विराट कोहली बहुत बड़ा खिलाड़ी, चले जी ठीक है शुक्र है भाई, और भाई बाकी कब रिटायर बाबर यार, लेकिन भाई साहब लेवल जो कोहली का बीच में कहीं ना कहीं घंटा ये रख ही जाता है 10 इसका तो कोई इस मामले में कोई मुकाबला है ही नहीं, जो मर्दिल का आने वाले वक्त का पता नहीं, चलें जी ठीक है भाई, अपनी राय रुकता ही का कन्वर्सेशन में, वैसे जो है ना तारक की जबानी है तो भाई साहब शर्मा है क्या मजा दे देता है भाई साहब, थोड़े टाइम में वन डे और 20 में जो शर्मा ने करके खेल के दिखाया ना, आज तो श्रीलंका की सीरीज में भी बेशक आ रहे सीर रोहित शर्मा के अलावा कोई इंडियन नहीं खेल रहा, T20 वर्ल्ड कप, वनडे का वर्ल्ड कप, ये इंडिया सीरीज है, श्रीलंका के एक बंदा हर मैच में खेला था वो रोहित शर्मा, ऐसी बात है। और मजे की बात ये कि इनके इंटरव्यू सुनना यार, विराट कोहली के यकीन में इतना श्रीलंका बंदा मुंह चूम रहा है भाई, इतना प्यारा लगता है, चलो जी ठीक है भाई, अपने जरूरत आएगा कमेंट सेक्शन में मिलते हैं, मीडिया के साथ तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।